दोस्तों हिंदू धर्म में कहा गया है कि किसी जीव को सताना पाप के समान है, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। दोस्तों धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि जीव जंतुओं को दाना या भोजन कराने से बहुत लाभ मिलता है। आज भी हम अपनी परेशानियां लेकर पंडित जी के पास जाते हैं और कई प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए पंडित जी उपाय में बहुत से जीव जंतुओं को खाना खिलाने के लिए कहते हैं। ऐसा कहा गया है इन जीवों को खाना खिलाने से सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। तो आइए दोस्तों आज के वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन से जीव को भोजन कराने पर क्या क्या लाभ मिलता है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, मछलियों को आटा। अक्सर देखा जाता है कई लोग अपनी पुरानी संपत्ति को लेकर या अपने मूल्यवान चीज को खो जाने से काफ़ी परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को रोजाना मछली को आटे की गोलियां खिलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से पुराने संपत्ति पुनः हासिल करने के योग बनते हैं और इसके साथ ही धन का आगमन के भी योग बनते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कुत्ते को रोटी। अपने समाज में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं या दुश्मन उनका कोई भी अच्छा काम होने नहीं देता और हमेशा बाधा परेशानी डालने की चेष्टा करता है। अपने दुश्मनों से बचने के लिए रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाने से उनके दुश्मनों का नाश हो जाता है। और दोस्तों आगे बताया गया है चींटियों को आटा और चीनी। बहुत से लोग कर्ज को लेकर भी काफ़ी परेशान होते हैं, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर्ज लेते हैं लेकिन समय पर चुका नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को शक्कर और आटा मिक्स करके चींटियों को डालना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जैसे जैसे चींटियाँ इस आटे और चीनी को ख़त्म करती हैं उसी प्रकार से कर्ज भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और दोस्तों अंत में बताया गया है पंछियों को दाना। अक्सर देखा जाता है सुबह सुबह बहुत सारे लोग पंछियों को दाना खिलाते हैं। ऐसा कहा जाता है जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या जिनके आर्थिक मामले अटके हुए हैं उन लोगों को पंछियों को दाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक मामले में लाभ मिलता है। व्यवसाय करने वाले को पंछियों को दाना अवश्य डालना चाहिए, उनको भी व्यवसाय में उन्नति मिलती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।